वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक नई ट्रिप पे जा रहे हैं एंड मैंने उस पूरे ट्रिप को इसमें कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। तो गाइस, हमारा एक और ट्रिप चालू हो चुका है। मैं जा रहा हूँ इंदौर की बहन को लेने के लिए। अभी ट्रेन छूटी नहीं है, मैं पहुँच गया स्टेशन, वेट कर रहे हैं ट्रेन के छूटने का। अभी सीट पे कौन क्या रख गया यार, हटवाता हूँ उसको अभी। तो हमारी ट्रेन ऑन टाइम निकल जाती है यहाँ से 11 बजे, बिलासपुर टू इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस। एंड ये ट्रेन यहीं से बन के चलती है, इसलिए खुल तो ये टाइम पे जाती है, पर इसका वहाँ पे टाइम पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 90% चांस होता है कि ये लेट होती है। पर देखते हैं, अब ये हमें टाइम पे पहुँचा देती है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपने बर्थ पे आता हूँ, तो देखता हूँ कि ट्रेन बहुत देर से खड़ी हुई है। तो मैं जाके देखता हूँ कि यार क्या हो गया, क्यों खड़ी हुई है। तो अनूपपुर पहुँच जाते हैं हम लोग, एंड अनूपपुर में क्रॉसिंग की वजह से ये लगभग आधा घंटा लेट हो जाती है वहीं पे। फाइनली ये ट्रेन चलती है एंड हम लोग का सफ़र और आगे चालू होता है। ट्रेन में अकेले सफ़र करते करते मेरे को बहुत बोर लग रहा था, तो मैं सोचा कि मेरा साथी कौन हो सकता है। तो मैं अपनी बुक लेके गया था, तो मैं बुक निकाला और थोड़ी देर चुपचाप पढ़ाई किया एंड थोड़ा टाइम पास भी हो गया इससे, क्योंकि ट्रेन में अकेले ट्रैवल करो ना तो बहुत बोर लगता है, समझ ही नहीं आता क्या करें, कितना बाहर पेड़ों को देखोगे। तो मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लिया। तो 3 बजे मैं खाना खाने के लिए ऊपर अपने बर्थ पे आ जाता हूँ, पर देखता हूँ कि मम्मी ने जो बोला था वो तो दी ही नहीं है खाने में, कुछ और ही दे दी है। पर अब क्या ही कर सकते हैं, अब जो दी है वो ही खा लेते हैं यार, और क्या। पर मम्मी ने ये गलत किया, बोली कुछ और थी, दी कुछ और है। मैं ट्रेन में ट्रेवल करते समय हमेशा अपने साथ खाना लेके ही चलता हूँ, क्योंकि ये पेंट्री कार वाले तो कुछ अच्छा खाना देते नहीं हैं, और कहीं मिले ना मिले इससे अच्छा है कि घर से खाना लेके चलो, भले कुछ मन करे थोड़ा बहुत तो बाहर से खा लो। फालतू में क्रॉसिंग में रोक दिया गाड़ी को आधे घंटे से, फालतू का लेट हो रही है। तो मैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए चाय पी लेता हूँ ट्रेन में, एंड आप मुझे बताइए कि आप लोग भी चाय लवर हैं। भाई टाइम ही नहीं कट रहा यार, ट्रेन में तो एकदम बोर लग रहा है, ना नेट चल रहा है ना कुछ, एकदम क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कुछ आंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को, ये लोग पता नहीं 5-6 लोग क्या मंजिली बना के घूम रहे थे, पूरे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, खींची खींची करके हंस रहे हैं जोर से, पता नहीं क्या ही चल रहा था भाई, इनका ट्रेन में अलग ही सीन चल रहा है। तो रात में खाना वाना खा के अब मैं सोने चल ले रहा हूँ गाइस, एंड कल सुबह मिलते हैं। एंड रात में देखिए, ये एसी वाला कंपार्टमेंट अगर लाइट बंद कर दिया जाए तो एकदम शमशान टाइप दिखता है, एकदम सब वाइट वाइट चादर ओढ़े रहते हैं। ये पता नहीं पेंट्री वाले से उस खाने के नाम पे लफड़ा हो रहा होता है। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं, थोड़े टाइम में इंदौर ही पहुँच जाएंगे, देखते हैं स्टेशन में कैसा माहौल है। चलिए देखते हैं यार, अब यहाँ पे स्टेशन से कुछ लेता है खाने पीने का, क्योंकि नाश्ते का तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ एंड भूख बहुत लग रही है मेरे को, देखता हूँ कुछ मिल जाए आसपास तो खाऊँगा। उज्जैन पहुँचे हैं अभी हम, तो जस्ट अभी मैं नाश्ता लिया हूँ, पोहा बहुत फेमस है यहाँ का, कुलदीप को दिया क्या पास है, खाते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है। पोहा बहुत टेस्टी है यार, वैसे ही इंदौर का पोहा बहुत फेमस है, ये बहुत टेस्टी है। मैं थोड़ा सोच सोच टाइप को दिख रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन में कौन ही अच्छा दिखता है यार। अभी जैसे नाश्ता करके थोड़ा मूव होता हूँ तो अच्छा लगेगा, घर ही पहुँचने वाले। तो उज्जैन में इंजन चेंज होता है इस गाड़ी का ही टोटल पूरे रूट में 3-4 बार इंजन चेंज होता है, एक बार भोपाल में भी होता है शायद, एंड एक बार यहाँ होता है, एक बार और कहीं होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो अब हम लोग निकल गए यहाँ से, अभी तो ऑन टाइम है, देखते हैं ऑन टाइम पहुँचाती है कि नहीं। अभी विक्रम नगर पहुँचे हैं, बस पहुँच रही है ट्रेन धीरे धीरे करके इंदौर पहुँच रहे हैं, देखते हैं 11 बजे का टाइम है, अगर ऑन टाइम पहुँच जाए तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ट्रेनें ऑन टाइम तो पहुँचती नहीं है,
पर ये लग तो रहा है कि पहुँचेगी, देखते हैं कहीं रास्ते में रुक गई तो आता लगे। लगा नहीं था कि कवर कर लेगी, क्योंकि रात में तो 2-3 घंटा लेट थी, पर रात में खींची है अच्छा खासा और पूरा कवर कर ली, टाइम ऑन टाइम पहुँचाई है। और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, ऑन टाइम पहुँचाती, क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस कभी ऑन टाइम पहुँचाती नहीं है, पर आज कैसे पहुँचाती पता नहीं। बस मैं यहाँ बाहर रीरा जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, आ रहे हैं वो लेने के लिए। गर्मी है थोड़ी यहाँ पे, उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी है क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी बहुत गर्मी है। पहुँच गया हूँ अपनी दीदी के यहाँ, अब यहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटा रुकूंगा, फिर शाम में वापसी की ट्रेन है, यहीं से वापसी भी जाएंगे। मेन तो मैं अपने भाई को लेने आया हूँ, क्योंकि अगर इसको अकेले दीदी के साथ भेज दिया ट्रेन में तो दीदी को ये पूरा सर परेशान करके रख देगा। हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं, हमारी 4 बजे की वापसी की ट्रेन होती है, तो हम लोग अब जल्दी से जल्दी ट्राई करते हैं स्टेशन पहुँचने का, क्योंकि हम लोग थोड़ा निकलने में लेट हो जाते हैं। देखते हैं, वापसी चालू कर दी है घर जाने के लिए, 4 बजे की ट्रेन की बैठ गए हैं, देखते हैं कैसा जाता है ये सफर। आउटर में रोक दिया यार फालतू में, इसलिए तो लेट होती ट्रेनें। यार मौसम हो रखा है यहाँ पे, भाई मैं तो इस प्लानिंग के हिसाब से आया था कि मेरे को एक बच्चे को संभालना है, पर मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे पता चला कि मेरे आसपास की बोगी में सीट में 5-6 छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड कोई चुप हो रहा है तो कोई रो रहा है, कोई रो रहा है तो कोई चुप हो रहा है, पूरा ट्रेन यही हो रहा है भाई, एकदम दिमाग ख़राब ही हो गया मेरा। रात में बच्चे और ज़्यादा रो रहे हैं, ना खुद सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं, भाई क्या होगा मेरा, कैसे कटेगा सफ़र। बच्चों लोग ने पूरा रो रो के पूरी रात खराब कर दी, कभी कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा है, कभी कुछ, पूरी रात नींद नहीं आई है, एकदम सोए सोए टक्का लग रहा है। देखते हैं कुछ घंटे का सफर बचा है, फिर घर जाके सो ही गया। तो गाइस हम लोग शहडोल पहुंच चुके हैं, एंड जो यहाँ के लोग होंगे उनको पता ही होगा कि शहडोल का सबसे फेमस चीज़ है आलू गुंडा, तो हम लोग वही नाश्ते में खाते हैं एंड घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वापस लेके जाओ सर, पेंड्रा रोड से बिलासपुर के सफ़र में ना बीच में एक अच्छा पैच है जहाँ पे एकदम हरियाली एंड टर्मिनल्स भी है, तो मैं वो सबको रिकॉर्ड किया हूँ। एक लाइक तो बनता है इतने अच्छे व्यूज़ का, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो बना रहा हूँ बोले तो नहीं, तो तो
तो हम लोग पहुंच जाते हैं हुसलापुर, एंड हुसलापुर से बिलासपुर मतलब लगभग 10 मिनट की दूरी है बस। और कुछ समझदार लोग हुसलापुर में उतर जाते हैं, पर हम वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो बिलासपुर में उतरेंगे। एंड बिलासपुर में उतरने के चक्कर में ये ट्रेन लगभग आधा पौन घंटा आउटर में ही भाई रोक देती है। एंड हम लोग की ट्रेन जो 2 घंटा लेट चल रही थी, वो फाइनली जब पहुंचती है तब 3 घंटा लेट हो चुकी होती है। एंड ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं यार। इसके पापा कहाँ आएंगे, नाना आएंगे। हम लोग बिलासपुर वापस आ रहे हैं।